अंदर ये विषय रखा क्योंकि विधानसभा सत्र में नेता विपक्ष ने भी, विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी बारी बारी ये बात कही थी कि पैडी परचेज नहीं हो रही, पैडी परचेज नहीं हो रही। हरियाणा सरकार ने आखिरी दाना तक पैडी का 14 तारीख तक परचेज किया, जिसके बाद जो पैडी के अंदर परमल है, परमल का कोई भी दाना अनपरचेज हरियाणा प्रदेश में नहीं रहा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि दूसरे प्रदेशों से भी परमल हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है, उसको भी हमने जिस तरीके से भी करा, बॉर्डर रोके और रोके, थोड़े प्रावधान करे और प्रयास किया कि इलीगल एक्टिविटी ना हो। जिम्मेवारी है, जो भी हमारे राइस मिलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये हिस्सा है कि हम उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की कोई बात, क्योंकि विपक्ष बारी बारी हम पे ये डाल रहा था कि हम जानबूझकर नहीं परचेज कर रहे, ये जो एक्सेस आया है इससे किसान का नुकसान नहीं है, हरियाणा सरकार के रेवेन्यू का नुकसान है। किसान का तो एक एक दाना 1850 रुपये कुंटल के हिसाब से हमने परचेज किया। पानी पेंशन स्कीम के लिए बिल्कुल कमेटी मिली है, इनकी बात जो है मैंने इनको कहा है, ये कह रहे हैं कि दो स्टेट में नई पेंशन स्कीम लागू होगी, जिसमें किसी एक साथी ने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, किसी ने दिल्ली का दिया। हमने कहा उनके ड्राफ्ट ला के हमें दे दे, किस तरीके से उन्हें लागू करिए उसको स्टडी कर जरूर विचार किया जाएगा कि इनके भी राइट्स को हम सुरक्षित रखें।